हेलो फ्रेंड्स, वी आर हियर विद नाइन्थ डेज स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम। प्रेजेंट सिंपल टेंस चल रहा है, जिसमें पहला रूल हम ले रहे हैं, यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल नाउन हो। आई माने मैं, वी हम, यू आप, दे वे प्लूरल नाउन, मोर देन वन। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन, अ गर्ल का प्लूरल टू गर्ल्स, गर्ल्स पीपल। मोर देन वन होने पर हम सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ये लगाएंगे। कल का आपको होमवर्क दिया था, आपकी रूटीन एक्टिविटी आपको लिखनी थी। आई वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, फर्स्ट आई कंप्लीट माई रूटीन वर्क, आफ्टर दैट आई गो फॉर अ वॉक, देन आई टेक ब्रेकफास्ट, देन आई गेट रेडी फॉर माई स्कूल, माई कॉलेज, माई ऑफिस। आफ्टर दैट आई टेक ब्रेकफास्ट, आई लीव होम एट अबाउट 9:30, आई रीच माई स्कूल और माई ऑफिस एट 10 o'clock, I work there whole day, I come back from my office at 5 o'clock, then I play some games, I take some rest, I take dinner and finally I go to sleep. I work in first form. आप क्या क्या करते हैं? I live in Udaipur, मैं उदयपुर में रहता हूँ। I sleep late, मैं लेट सोता हूँ। I get up early, मैं जल्दी उठता हूँ। कुछ भी जो आप करते हैं, रूटीन एक्टिविटी, हैबिचुअल एक्शन, जनरल स्टेटमेंट, यूनिवर्सल ट्रूथ, इसमें हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस के बाद आइए आज हम लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। मैं चाय नहीं लेता हूं, आई डोंट टेक टी। डू नॉट, डू हेल्पिंग वर्ब है, टाइम शोइंग वर्ब है, नॉट के पहले डू लगाना है। अब डू नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं डोंट। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, आई डोंट प्ले क्रिकेट। हम स्कूल नहीं जाते हैं, वी डोंट गो टू स्कूल। आप मुझे नहीं जानते, यू डोंट नो मी। वे तेज नहीं दौड़ते हैं, दे डोंट रन फास्ट। बच्चे यहां नहीं सोते हैं, चिल्ड्रन डोंट स्लीप हियर। आप क्या क्या काम नहीं करते हैं, उनसे आप 5-10 सेंटेंसेस बनाइए। जैसे मैं जल्दी नहीं उठता हूं, आई डोंट गेट अप अर्ली। मैं जल्दी नहीं सोता हूं, आई डोंट स्लीप अर्ली। मैं लेट नहीं सोता हूं, आई डोंट स्लीप लेट। हम स्कूल नहीं जाते हैं, वी डोंट गो टू स्कूल। अब सामने वाला क्या क्या नहीं करता है उसके लिए, जैसे आप मेरी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, यू डोंट रेस्पेक्ट मी। आप मेहनत नहीं करते हैं, यू डोंट वर्क हार्ड। आप मुझे नहीं जानते, यू डोंट नो मी। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस आप अधिक से अधिक बनाएं। नहीं के लिए सब्जेक्ट डोंट, वर्क की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आई डोंट, वी डोंट, यू डोंट, दे डोंट, गर्ल्स डोंट, इनका यूज करेंगे। इसके बाद आइए हम पढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे आपको पता ही है कि दो तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। पहला यस नो टाइप क्वेश्चन, जिसका आंसर यस या नो में देंगे। तो इसमें हम डू से शुरू करेंगे, सब्जेक्ट के पहले डू को लगा देंगे, हाँ या ना में जिसके आंसर देने हैं उसके लिए। जैसे क्या आप चाय लेते हैं, डू यू टेक टी। क्या बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, डू चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। क्या लोग यहां आते हैं, डू पीपल कम हियर। क्या आप मुझे जानते हैं, डू यू नो मी। इस तरह से क्या आप ऐसा ऐसा करते हैं, उस पर आप सेंटेंसेस बनाइए, 10 सेंटेंसेस बनाइए। जैसे कि आप जल्दी उठते हैं, डू यू गेट अप अर्ली। क्या आप लेट सोते हैं, डू यू स्लीप लेट। क्या आप नाश्ता लेते हैं, डू यू टेक ब्रेकफास्ट। क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट। सामने वाले से आप अधिक से अधिक बातें पूछिए। मसलन, क्या आप गाने गाते हैं, डू यू सिंग सॉन्ग्स। क्या आप टीवी देखते हैं, डू यू वॉच टीवी। इस तरह से अब यदि सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है उसके साथ नहीं भी आ गया तो डू में नॉट जोड़ देंगे, ये हो जाएगा डोंट। डोंट सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्या आप मुझे नहीं जानते हैं, डोंट यू नो मी। क्या बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, डोंट चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। क्या वे यहां नहीं आते हैं, डोंट दे कम हियर। इस तरह से हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं जिसमें डू में हमें नॉट जोड़ना होता है। एक बार फिर रिवाइज करते हैं, मैं चाय लेता हूं, आई टेक टी। मैं चाय नहीं लेता हूं, आई डोंट टेक टी। क्या आप चाय लेते हैं, डू यू टेक टी। क्या आप चाय नहीं लेते हैं, डोंट यू टेक टी। इसके बाद आइए हम लेते हैं अगला, जिसमें यदि यस नो टाइप क्वेश्चन नहीं है
सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है जो क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन है, यानी हिंदी वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आए तो उसे हम कहेंगे क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन। WH वर्ड, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड्स आने चाहिए आपको। क्या की इंग्लिश, व्हाट, कहां, वेयर, कब, व्हेन, क्यों, व्हाई, कैसे, हाउ, कौन, हु, सारे क्वेश्चन वर्ड्स आप याद कीजिए। डू के पहले वह क्वेश्चन वर्ड हमें लगाना है। जैसे आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, वे कहां रहते हैं, वेयर डू दे लिव, बच्चे कहां सोते हैं, वेयर डू चिल्ड्रन स्लीप। इस तरह से हम हिंदी वाक्य के बीच में जो क्वेश्चन वर्ड आया उसे पहले लगा देंगे, उसके बाद डू, सब्जेक्ट, वर्क फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अगर नहीं वाला क्वेश्चन है तो डोंट के पहले हम क्वेश्चन वर्ड, जैसे आप चाय क्यों नहीं लेते हैं, व्हाई डोंट यू टेक टी, वे क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं, व्हाई डोंट दे प्ले क्रिकेट, बच्चे यहां क्यों नहीं आते हैं, व्हाई डोंट चिल्ड्रन कम हियर। तो देखिए, मैं चाय लेता हूं, आई टेक टी, मैं चाय नहीं लेता हूं, आई डोंट टेक टी, क्या आप चाय लेते हैं, डू यू टेक टी, क्या आप चाय नहीं लेते हैं, डोंट यू टेक टी, आप चाय क्यों लेते हैं, व्हाई डू यू टेक टी, आप चाय क्यों नहीं लेते हैं, व्हाई डोंट यू टेक टी। इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे आज, वी आर गोइंग टू फिनिश टुडेस क्लास हियर ओनली, टुमारो एट 7 o'clock वंस अगेन वी ऑल विल बी हियर, राइट योर कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी, सी यू टुमारो, ओके बाय।